अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अदनान सईद, क्लास टेंथ। आज हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को वाइंड अप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एल्गोरिदम की दो एग्जांपल्स बताता चलूं। लास्ट में हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसमें एक के बाद एक स्टेप होता है और जिसको फॉलो करते हुए हम लोग अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और उसके साथ एक वर्ड लगता है, इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। इसमें इनपुट दी जाती है, प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है। फार्मूले वाले जितने भी एल्गोरिदम्स आएंगे उनको करने का यही तरीका है, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ फाइव गिवन नंबर्स। पांच नंबर्स हैं, हम लोग वो पांच नंबर कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरह से भी ले सकते हैं। या यहाँ पे उसने किया है कि इनपुट नंबर्स N0, N1, N2, N3, N4, यानी ये हमारा इनपुट का स्टेप हो गया। फिर हमारे पास सम का स्टेप है, बेशक हम लोग ये सम इस तरह से लिख दें, सेट सम टू दिस, और हम लोग फार्मूला भी एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, सम इज़ इक्वल टू N0 प्लस N1 N2। फिर स्टेप फोर में हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लिख दिया और फिर एवरेज का। ये तीन फार्मूले आगे, इट इज़ कॉल्ड अवर प्रोसेस। ये तीन स्टेप्स जो हैं ये हमारे प्रोसेस कहलाएंगे। ये हमारा इनपुट हो गया और फिर लास्ट में हमारे पास आउटपुट आएगा, प्रिंट करवाना दोनों जो भी चीज़ें हमने फाइंड की हैं, जो इनका भी रिज़ल्ट हमारे पास आया है उनको आउटपुट करवाना। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स, हमारे पास टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ थ्री गिवन नंबर। फिर से तीन इनपुट हैं, तो दूसरे स्टेप में हमारे पास आ गया इनपुट 1, 2 एंड 3, ये थ्री इनपुट्स आ गए। फिर हमने इनमें लार्जर को, जो भी लार्जर वैल्यू है उसको N1 फर्स्ट वैल्यू कह दिया और फिर इस लार्जर को बारी बारी दोनों के साथ कंपेयर किया। अगर तो N1 बड़ा है तो उसको लार्ज में रख दो, अगर N2 बड़ा है तो उसको लार्ज में रख दो, और फिर जो भी लार्ज की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा दो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एल्गोरिदम के दो तरीके थे। अब हम लोग फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फ्लो चार्ट का है। तो स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, या इसको विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा, द ऑपरेशन परफॉर्म विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म। बड़ी डिटेल से हमने पहले भी फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, अब फिर से मैं इसका कंप्लीट आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी डेफिनेशन है। आप प्रीवियस डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। इसके कुछ सिंबल्स हैं स्टूडेंट्स, पहले उन सिंबल्स को देख लेते हैं। ये फर्स्ट वन सिंबल है हमारे पास, चाहे हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हो या एंड करना हो, दोनों सिचुएशंस में यही ओवल शेप यूज़ होती है, इट इज़ कॉल्ड ओवल शेप। फिर रेक्टेंगल शेप यूज़ होती है फॉर प्रोसेसिंग, पैरेललोग्राम यूज़ होती है फॉर इनपुट और आउटपुट दोनों कामों के लिए। पैरेललोग्राम जैसे स्टार्ट और एंड के लिए, दोनों के लिए ओवल शेप यूज़ करते हैं, इसी तरह से पैरेललोग्राम जो है इनपुट और आउटपुट इन दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमारे पास डायमंड शेप आ जाती है फॉर डिसीजन और एनी काइंड ऑफ कंडीशन। जब भी हमने कोई कंडीशन या कंपैरिजन करना होता है जिसका आंसर या तो ट्रू आए या फॉल्स आए, तो हम लोग डायमंड शेप यूज़ करते हैं। कनेक्टर्स आर यूज़ जब हमारा फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है और एक कम्प्लीट डिफरेंट एरिया जो है उसमें हमने इसको रखना है, तो हम लोग कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं। वो कनेक्टर एक बिल्कुल सेपरेट फ्लो चार्ट को आपके लार्ज मेन फ्लो चार्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पेज ऑफ, पेज ऑन, ये कनेक्टर्स जो हैं ये आपके हर पेज के, जहाँ पे आपका पेज ख़त्म हो गया और आपने नेक्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट को लेके जाना है तो उसके लिए पेज ऑफ का लगाना पड़ता है, और दूसरी साइड पे नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में हमें पेज ऑन का कनेक्टर लगाना पड़ता है। फ्लो लाइंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को रास्ता बताते हैं तो आप लाइनें बना बना के बताते हैं, भाई यहाँ से इस तरफ को मुड़ना है, इधर को जाना है, तो ये फ्लो लाइंस जो हैं, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ अवर फ्लो चार्ट।
प्री डिफाइंड प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, सब रूटीन्स हैं, उनके ज़रिए उनको यूज़ करना है तो हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमारे पास रिमार्क है ये डॉटेड लाइन के साथ। इस तरह से अगर मैंने अपने फ्लो चार्ट के अंदर किसी भी एक जगह को एक्सप्लेन करना है तो मैं रिमार्क का सिंबल यूज़ करूँगा। स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास बारी आ जाती है गाइडलाइंस की। तो गाइडलाइंस ये हैं कि फ्लो चार्ट जो है, इन अ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। एक लॉजिकल ऑर्डर होता है कि भाई इस तरह से हम लोग फॉलो करते हुए अपने काम को कंप्लीट करेंगे। ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए और ईजी टू फॉलो होना चाहिए। इसको फॉलो करना बहुत आसान होना चाहिए। देयर शुड बी एनी एम्बिग्विटी इन अंडरस्टैंडिंग। इसके समझने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूजुअली डायरेक्शन जो होती है वो उसकी होती है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेसर सिंबल। प्रोसेसर सिंबल में से सिर्फ एक लाइन इन और एक ही लाइन आउट होती है। डिसीजन में एक लाइन इन जबकि दो लाइनें आउट होती हैं। ओवल शेप में अगर स्टार्ट है तो एक लाइन आउट होगी, अगर एंड है तो एक लाइन इन होगी। इसी तरह से कमेंट्स रिमार्क्स लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और लास्ट में है कि अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिंपल, तो आपके लिए बेटर होगा। वैसे तो आप कर सकते हैं कि अगर जगह है तो आप बना लें, लेकिन बेस्ट हो यही होता है कि बिल्कुल एक सेपरेट फ्लो चार्ट है तो उसके लिए कनेक्टर लगा के उसको आप सेपरेटली बनाएं। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज़फुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट। आपने फ्लो चार्ट की वैलिडिटी को टेस्ट करना होता है बाय पासिंग थ्रू विद अ सिंपल टेस्ट डेटा। और छोटा छोटा सा इजी सा कोई वैल्यूज़ इनपुट करके देखें और देखें कि आपका फ्लो चार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हमारे पास कि फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग एल्गोरिदम की लॉजिक को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एल्गोरिदम आपको पता है सिंपल इंग्लिश में लिखा होता है और रीडिंग करना एक प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग उसको फ्लो चार्ट्स देते हैं। शेप्स के ज़रिए उसको ईजी हो जाता है कि कहाँ पर इनपुट लेनी है, कहाँ पर फार्मूलाज या कोई प्रोसेस करवाना है, तो एल्गोरिदम की निस्बत फ्लो चार्ट प्रोग्रामर्स के लिए ईजी होते हैं। फ्लो चार्ट आर द पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी बनती है, तो ये उस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। द फ्लो चार्ट एक्ट एज ए गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। ये एक गाइड के तौर पे काम करता है जिसके ज़रिए हम लोग बड़ी आसानी से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। फ्लो चार्ट हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेस, और डीबगिंग प्रोसेस में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। लास्ट दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर आपके पास बहुत ही पेचीदा किस्म के मसाइल हैं तो फ्लो चार्ट जो है उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इफ़ अल्टरेशन आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन। अगर आपने कोई चेंजेस करनी है फ्लो चार्ट के अंदर तो आपको पूरे का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा से नए सिरे से बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जितने भी फार्मूले वाले फ्लो चार्ट्स होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट लेआउट मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये पांच स्टेप्स होते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये जो ए प्लस बी है इसको इस इनपुट के आगे लिख देना है ए कोमा बी के तौर पर, और जो भी फार्मूला है वो मिडल में आएगा। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाली ऑप्शन में हमारे पास प्रिंट आएगा। हमेशा याद रखें जो भी फार्मूला आता है उसकी राइट हैंड साइड की मिसिंग वैल्यूज इनपुट में, लेफ्ट हैंड साइड का एक वेरिएबल प्रिंट में,
और मिडिल में फार्मूला एज इट इज़ लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास फॉरनहाइट का फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू सी इंटू फाइव डिवाइडेड बाय सी इंटू नाइन डिवाइडेड बाय फाइव प्लस 32। तो ये फार्मूले के अंदर ये फॉरनहाइट जो है ये प्रिंट हो जाएगा, और ये जो मिसिंग वैल्यू है सेल्सियस की, ये हमारे पास इनपुट में आ जाएगी, इनपुट सेल्सियस। इसी तरह से ये तीन और फ्लो चार्ट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला प्रूव करना है तो ये फार्मूला है हमारे पास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये फोर्स और मास इन दोनों की वैल्यूज़ हम लोग इनपुट कर लेते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। नेक्स्ट टू एग्जांपल्स भी एज इट इज़ ही हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए हमने वॉल्यूम डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय इज़ इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये एच की वैल्यू हम लोग इनपुट ले लेते हैं और वॉल्यूम को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूले वाले जितने भी फ्लो चार्ट हैं उनके यही पांच स्टेप्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर दो वैल्यूज़ में से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने का फ्लो चार्ट आ जाता है तो आपने इस तरीके से करना है, स्टार्ट इनपुट ए एंड बी दो वैल्यूज़ ले लें और फिर चेक करें कि इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर तो येस है तो ए को प्रिंट करवा दें ए इज़ ग्रेटर, अगर नो है तो प्रिंट करवा दें बी इज़ ग्रेटर, और उसके बाद एंड करवा दें। इसी डिसीजन वाले की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर तीन वैल्यूज़ में से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग तीनों वैल्यूज़ के इनपुट लेते हैं, लार्जर को फर्स्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं और फिर बारी बारी बाकी दोनों को लार्ज के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो वो लार्ज से बड़े हैं तो उनको प्रिंट करवा दो, वरना लार्ज को ही प्रिंट करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका एल्गोरिथम भी हमने देखा था और अब हमने इसका फ्लो चार्ट भी देख लिया। स्टूडेंट्स इन सब एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट की अच्छे तरीके से एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें, ज़बानी बना के देखें, और बुक की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की एक्सरसाइज में से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन उनको सॉल्व करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।